हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो नॉलेज पार्क। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज हम लोग इस वीडियो में मेनिनजाइटिस बीमारी के टॉपिक पर बात करेंगे कि मेनिनजाइटिस बीमारी होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मेनिनजाइटिस बीमारी एक मस्तिष्क संबंधित रोग है जो हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन के कारण होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मेनिनजियस, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। मेनिनजियस में 3 लेयर होते हैं, ड्यूरामेटर, एरिथ्रोमेटर और पैरामेटर। फ्रेंड्स, इन्हीं को बैक्टीरिया और वायरस फंगल इन्फेक्शन कर देते हैं, तो इसके कारण ये बीमारी हो जाता है मेनिनजाइटिस। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे हो जाता है? ये हमारे सांस ड्रॉपलेट के वजह से हो जाता है, जब हम लोग सांस लेते हैं इसकी वजह से। आगे और देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मेनिनजाइटिस का मतलब होता है मेनिनजियस, इसको 2 भागों में बांटे हैं। मेनिनजियस का मतलब होता है ब्रेन के इनर लेयर और टीस का मतलब है स्वेलिंग, मतलब पूरा हो गया मस्तिष्क का सूजन, मस्तिष्क में सूजन कर सकते हैं हम इसको। देखिए आगे और, मेनिनजाइटिस एक फ्रेंड्स गंभीर संक्रमण है और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के मेनिनजियस को प्रभावित करता है, जो उसके परत होते हैं उसी को इन्फेक्शन करता है। देखिए फ्रेंड्स, यह बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के कारण हो सकता है। इसमें मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस, निसेरिया मेनिंगोटाइटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। मेनिंगोकोकल और मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए आगे और है, इससे बड़ी महामारी पैदा हो सकता है। यह सांस ड्रॉपलेट के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, सांस के वजह से फैलता है ये सांस जब हम लोग लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाइप ऑफ मेनिनजाइटिस। देखिए फ्रेंड्स, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, वायरल मेनिनजाइटिस, फंगल मेनिनजाइटिस, पैरासिटिक मेनिनजाइटिस और अमीबिक मेनिनजाइटिस और गैर संक्रमण मेनिनजाइटिस। फ्रेंड्स, ये 6 टाइप्स के होते हैं ये मेनिनजाइटिस। देखिए डिफरेंट टाइप के होते हैं ये, बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल मोस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस क्या है? फ्रेंड्स, मेनिनजाइटिस ये बैक्टीरियल की वजह से मेनिनजिस में, जो मेनिनजिस होता है उसमें संक्रमण करता है। यह संक्रमण जानलेवा हो सकता है। फ्रेंड्स, ये मेनिनजिस जो होते हैं उसमें बैक्टीरिया के कारण हो जाता है मेनिनजाइटिस बीमारी। चलिए फ्रेंड्स आगे और देखते हैं, अब वायरल मेनिनजाइटिस क्या है? इस मेनिनजाइटिस में वायरस की जगह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है सॉरी फ्रेंड्स। यह संक्रमण बैक्टीरिया मेनिनजाइटिस जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा वो इससे बच सकता है फ्रेंड्स, जिसका मजबूत इम्यूनिटी होगा। देखिए फ्रेंड्स आगे, फंगल मेनिनजाइटिस क्या है? यह फंगल के कारण होने वाला संक्रमण की वजह से हो सकता है। यह आम नहीं है, लेकिन कई बार सांस के माध्यम से फंगल शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें डायबिटीज, एचआईवी और कैंसर से पीड़ित लोगों में मेनिनजाइटिस हो सकता है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, देखिए आगे दिया है पैरासिटिक मेनिनजाइटिस क्या है। इस मेनिनजाइटिस के प्रकार में संक्रमण पैरासाइट की वजह से होता है, जो ब्रेन के नर्वस सिस्टम को प्रभावित डालते हैं। यह बैक्टीरिया मेनिनजाइटिस और वायरल मेनिनजाइटिस जितना आम नहीं है फ्रेंड्स। यह नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए आगे और देखते हैं फ्रेंड्स, अमीबिक मेनिनजाइटिस क्या है? यह मलेरिया फाउली नामक एक प्रकार के अमीबा है, अमीबा से होता है। यह इस संक्रमण का एक दुर्लभ प्रकार है जो आसानी से लोगों में नहीं पाया जाता। यह चिकित्सा भाषा में इसे प्राइमरी अमीबिक मैग्निको एनसेफेलाइटिस कहा जाता है। इसे प्राइमरी अमीबिक मैग्निको सेफेलाइटिस कहा जाता है इसे। देखिए गैर संक्रमण मेनिनजाइटिस क्या है फ्रेंड्स? इसमें हम कह सकते हैं यह संक्रमण से की वजह से नहीं होता है,
यह अन्य कारण से हो सकता है, जैसे सर पर चोट लगना, कैंसर, ब्रेन सर्जरी, कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट या हेड इंजरी, इसके कारण ये हो सकता है। कहीं चोट लग जाए ब्रेन में, उसके वजह से हो सकता है ये। आगे और फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बैक्टीरिया और वायरस की कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें होते हैं और वायरस, देखिए इकोलाई है। देखिए आगे और चलते हैं फ्रेंड्स, यह बीमारी किसे हो सकता है। ज़्यादातर ये 5 से 6 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है और 55 से 60 वर्ष उम्र के अधिक लोगों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है फ्रेंड्स। इनके सिस्टम सिम्टम क्या है, इनके लक्षण फ्रेंड्स सिम्टम देखिए, फीवर आना फ्रेंड, हेडेक, सिर दर्द, फिर कपकपी, जोड़ों में पेशी और अकड़न, जोड़ों में दर्द, हाथों पैरों का ठंडा हो जाना, पड़ जाना, देखिए स्किन का कलर पीला हो जाना और होठों का नीला हो जाना, सभी इनके सिम्टम है फ्रेंड लक्षण। देखिए बच्चों में इस में फीवर, नेक पेन, स्लीपिंग, गम, बोन इन जॉइंट पेन, रैशेस, हेडेक, सीजर, लाइट सेंसिटिविटी फ्रेंड्स। एडल्ट में देखिए हेडेक, फीवर, स्लीपनेस, एक आकड़न इसमें हो जाता है एडल्ट में, जो कि बच्चों में ये कम देखने को मिलता है स्लीपनेस। मेनिनजाइटिस में कौन कौन से जांच कराए जाते हैं फ्रेंड, डायग्नोसिस देखिए CBC है, ECR है, CPR है, फ्लूइड कल्चर है, NMDA एंटीबॉडी है, EHR एंटीबॉडी, VGKC है, सेंट्रीफ्यूगल पैनल है, NMO एंटीबॉडीज है, ये सब टेस्ट कराए जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसका इलाज फ्रेंड्स, ज़्यादातर इसमें एंटीबायोटिक्स दवाई दी जाती है, जैसे सेफेलो एस्पिरिन, सेफोटेक्जोमिन और सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन, ये सब दिए जाते हैं फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स दवाई देते हैं। चलिए आगे और मेडिसिन है। देखिए इंजेक्शन ये सेफ्ट्रियाजोन ज़्यादा दिया जाता है, डेक्सामेथासोन दिया जाता है, डेक्सोना जिसे हम कह देते हैं, कैप्सूल में उन्हें पैराजोल दे देते हैं, साथ ही साथ गैस ना बनाए, ये सब दवाई है, और पैरासीटामोल है 500 mg। और फिर देखिए फ्रेंड्स ये आगे इनके सिम्टम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दिया है, ये खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या है ये सब। इसमें रोकथाम में फ्रेंड्स स्वच्छता पे अच्छा ध्यान देना चाहिए, अच्छे से हाथ धोना, अच्छा खाना खाना, साफ सुथरा कपड़ा पहनना, ज़्यादातर यही है रोकथाम में। देखिए फ्रेंड्स इसमें मेनिनजाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन है, टीका है, जो अपने डॉक्टर के सलाह से अपने बच्चों में दिलवा सकते हैं। देखिए MCP4 है, मेनिंजोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, MPSPV4 है, और बी हिप वैक्सीन है, न्यूफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये सब वैक्सीन है, ये अपने डॉक्टर के सलाह से बच्चों में दिलवा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर इसका इलाज नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है आगे, या एडवांस बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस मस्तिष्क को क्षति पहुंचा सकता है फ्रेंड्स, और कोमा और मृत्यु का कारण बन सकता है, और ये फ्रेंड्स हेयर लॉस, हियरिंग लॉस, सुनने में तकलीफ होगी, मानसिक दशा विकार हो जाएगी, पैरालिसिस भी हो सकता है इससे। चलिए फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरा यूट्यूब चैनल बायो नॉलेज पार्क। आगे और इस तरह के वीडियो आएगा फ्रेंड्स, देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल होगा तो सब्सक्राइब करिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर